ये डिलीवरी देनी है, तो अभी यहाँ पे डिलीवरी देते हैं, फिर सेकंड वाली लोकेशन पे चलेंगे। ये मोहम्मद इमरान, तो कैसे हो? वालेकुम सलाम। अभी यहाँ पे डिलीवरी देनी है, आपका भाई बन चुका ड्राइवर, डिलीवरी बॉय। 18 साल में कितने फाइन आए? एक भी फाइन नहीं है, एक भी एक्सीडेंट। मतलब भाई यहाँ पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है यार। देखो रॉन्ग साइड में खड़ी है। आपने दुबई में कभी ये चीज देखी थी? इंडिया में 20 रुपए का आता है, बट ये यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अपने इंडियन प्राइस लेना, इसके 60 या 70 रुपए का ये कुरकुरा है। ट्रक में मतलब खाने का क्या सिस्टम रहता है? खाना खाने का क्या रूटीन रहता है? कितने बजे निकलते हो, कब वापिस आते हो? तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड एंड न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपने घर पे स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं फिर से अपन ने फ्लैट से ही। अपन तो आज कुछ नई चीज़ करने वाले हैं, अपन बहुत नई बहुत तगड़ी चीज़ करने वाले हैं। आज एक नया एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, एक्सपीरियंस इस तरीके का लेने वाले। पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने जो ईवी स्कूटर है ना, वो परचेज कर लिया है, वो इस साइड खड़ा है हॉल में, बट मैं आज आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज उस पर भी मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा। कोशिश ये है कि उस पर मोटो व्लॉगिंग करूँगा, हेलमेट लगा के उसको चलाऊँगा, तो इससे मे बी इससे अगला वाला व्लॉग आपको उस पर मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, जो अपने ने ईवी स्कूटर परचेज किया उसमें क्या फीचर हैं, क्या चीज़ें। ये कि आज का दिन आना अपने एक पूरे ट्रक के साथ गुजारेंगे कि मतलब ट्रक की, ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है, ट्रक की लाइफ कैसी होती है, कैसे वो लोग है ना उस पूरे दिन को निकालते हैं, कैसे वो एफर्ट्स लगाते हैं, कैसे वो पैसा कमाते हैं, कैसे वो मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ ट्रेवल करते हैं, सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से सामान लोड करते हैं, कहाँ से अनलोडिंग करते हैं। तो एक शख्स है, एक इंसान है, एक शख्सियत है, उससे मेरी बात हुई है। तो वो अभी आ रहे हैं, वो अपने रूम पे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, फ्री होते हैं, वो जस्ट आ रहे हैं मेरे को पिकअप करने। उनके साथ बैठेंगे, उनका कितने साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया है, क्या क्या चीज़ें की हैं, सारी चीज़ें उनसे बात करेंगे। आपको भी मिलाएंगे उस इंसान से मिलाऊंगा। तो वो आ जाते हैं, फिर उनके ट्रक में चलेंगे अपन, आपको दिखाते हैं फिर कैसा है उनका ट्रक। तो जो बंदे मेरे चैनल पे ना, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सारी चीज़ें कर दिया करो, बेल आइकन वगैरह भी दबा दिया करो। और अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा ट्रक में ही। तो भाई लोग, जो मिनी ट्रक की बात कर रहा था वो आ गया है, और अभी ये इंसान अपने को लेके जाएंगे, तो चलते हैं इनके साथ और लेते हैं ट्रक का एक्सपीरियंस। ट्रक नहीं, मिनी ट्रक है ये। आ चुके हैं मिनी ट्रक के अंदर, और जिन शख्स की मैं बात कर रहा था वो ये मोहम्मद इमरान। तो कैसे हो? वालेकुम सलाम। कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। तो इनका रिश्ता बता देता हूँ पहले इनसे, मेरा रिश्ता ये है, मेरे मामा, जो मैं बता रहा था आपको, शख्स है ये मेरे मामा है, मेरी मम्मी के सगे भाई। तो अभी यहाँ से लेके जा रहे हैं अपने को अबू धाबी के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी के लिए, जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अपने को, क्योंकि अपन इस ट्रक में चल रहे हैं, मिनी ट्रक में, और पहली चीज़ ये बता देता हूँ, ये वाली लेन है ना, ये सिर्फ ट्रक्स के लिए। तो ये क्या मिनी ट्रक है, तो ये इधर जा सकता है, जो ट्रक जाते हैं ना लोडिंग वाले, वो सिर्फ इसी लेन में चल सकते हैं, उस इधर वाली लेन में नहीं जा सकते। बट ये मिनी ट्रक है तो ये इधर वाली लेन में जा सकता है। तो अपना ट्रेवल रहने वाला है कम से कम 2 या 2.5 घंटे का। वहाँ पे इनको अलग अलग जगह पे है ना जो डिलीवरी देनी है। तो देखते हैं यार अबू धाबी का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और इधर पूरा रेतीला इलाका है। दुबई से जैसे बाहर निकलते हैं ना, बिल्डिंगें ख़त्म हो जाती हैं, फिर ये रेत और धूल मिट्टी बस यही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो अबू धाबी लिखा हुआ है इसमें। पता है एक चीज़ मुझे फील हो रही है, जो अपने इंडिया के ट्रक्स होते हैं ना, पहले मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से बैठा हूँ, ऐसे एकदम मस्त बैठा हूँ यार, एकदम मस्त खुले में बैठा हूँ। अपने इंडिया के ट्रक होते हैं ना, अगर वहाँ बैठ जाए बंदा इतना कम्फर्ट ही फील नहीं करता। यहाँ पे फील ही नहीं हो रहा कि भाई ट्रक में बैठा हूँ या कार में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ की रोड्स है ना, ये रोड्स बहुत अच्छी हैं भाई, बहुत अच्छी रोड्स हैं, और गाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की। तो फील नहीं होता यार, क्योंकि अपने तो ना तो रोड्स अच्छी हैं और ना ट्रक में बैठने के बाद इंसान की क्या हालत, ऐसे हिलता है इंसान। तो अभी मामा से पूछते हैं कि इन्होंने क्या इसमें जो है ना लोड किया है, और क्या अनलोड करना है, और कहाँ से कहाँ क्या अनलोड करना है। तो अभी पूछते हैं, अभी ये कहाँ से, अपन ने कहाँ से लिया है ये लोडिंग? हम लोग दुबई से लोड किया है ये। दुबई से? अभी अबू धाबी में? अभी अबू धाबी मुसफ़ा में, इंडस्ट्री एरिया में। मुसफ़ा में इंडस्ट्री एरिया नाम से, मुसफ़ा नाम की जगह, वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में अनलोड करना है। वहाँ पे अलग अलग कस्टमर है ना, उनको देना सामान, रोड का सामान होता है ना, वो देना है। वहाँ पे अलग अलग कस्टमर है, जैसे 5 लोकेशंस है, वहाँ पे अलग अलग जगह ये सामान देना है। जो गाड़ी में पीछे लोड हो रखी है, आपको मिरर में दिखेंगे शायद, दिखा देता हूँ। वहाँ कुछ इस तरीके का पीछे का मिनी ट्रक है, इसमें सामान लोडिंग हो रखा है।
और आपको ट्रक चलाते हुए दुबई में कितने साल हो गए, मतलब ड्राइविंग करते हुए? मैं 2005 से लाइसेंस बना था, 2005 से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मेरे मामा 2005 से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो 5 से 15 और 18 साल हो गए भाई ड्राइव करते हुए, वो भी दुबई में। 18 साल में कितने फाइन आए? एक भी फाइन नहीं है, एक भी एक्सीडेंट नहीं, एक भी फाइन नहीं आया, एक भी एक्सीडेंट। बहुत बड़ी बात है भाई, दुबई में अगर कोई बंदा बिना फाइन के ड्राइव कर रहा है ना, तो मतलब वो एकदम सक्सेसफुल ड्राइवर है, क्योंकि आगे इतने रूल्स और रेगुलेशंस है। मैंने अभी तक जहाँ तक समझा हूँ ना, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये रोड में 4 लेन है, तो उधर वाली लेन है वो है 100 से ऊपर, जो मतलब हाई स्पीड में चलना चाहता है ना, उस लाइन में चलो, 140 की स्पीड में चलेगा उसमें, फिर उससे स्लो चलना है इसमें 120, फिर इसमें 100, और फिर सबसे स्लो चलना है तो इस लेन में 80। और अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैमरे लगे होते हैं, उनमें पिक्चर क्लिक हो जाती है, और आपके फ़ोन पे आपको एक प्यारा सा SMS प्राप्त होता है, मिलता है कि आपको कम से कम अपने इंडिया के 20-25 हज़ार रुपये का मिलता है, सरप्राइज मिलता है, मामा बोल रहे हैं वैसे तो 20-25 हज़ार रुपये का नॉर्मल फाइन मिलता है आपको भाई। और ट्रक में मतलब खाने का क्या सिस्टम रहता है, खाना खाने का क्या रूटीन रहता है, कितने बजे निकलते हो, कब वापस आते हो? खाना सुबह हम लोग खा के नाश्ता करके निकलते हैं रूम से, हाँ, और दोपहर को खाना उधर अपना जो फैक्ट्री है उसमें खाना खाएंगे, हाँ, तो खा के फिर लोड लेके निकलेंगे, कभी एलियन का, कभी अबू धाबी का, कभी फुजेरा, कभी रासल खेमा। तो ये सारे अलग अलग स्टेट हैं? हाँ, 7 स्टेट है ये। 7 स्टेट है, अलग अलग स्टेट में जाते हो, आउट ऑफ कंट्री थोड़ी जाते हो? नहीं, ओनली स्टेट में जाते हो। तो वापिस रूम पर कब तक पहुँचते हो आप? रूम में रात से कभी 8 बजता है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे रात के। तो सुबह कितने बजे निकलते हो रूम से? सुबह हमारा 9 बजे से स्टार्ट है। 9 बजे से, तो सुबह फ्रेश खाना खा के निकलते हो या जैसे नाइट को बनाते हो? आमलेट वगैरह पराठा बना के खा के निकलते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलते हैं, फिर दिन में ये जो इनकी फैक्ट्री होती है वहाँ पे लंच वगैरह कर लेते हैं, और रात को डिनर से थोड़ा लेट ही बोल सकते हैं भाई। इतनी आसान नहीं है दुबई की ज़िंदगी जो लोगों को लगती है कि भाई वो दुबई वो है ना, जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के वो कुछ और होते हैं वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। ये लोग 18 साल से 20 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, इनको पता है भाई। तो इनकम का क्या सीन है, इनकम मतलब दुबई में कमाई करना आसान है या मुश्किल है? मेहनत करने वाले के लिए आसान है, आसान है, लेकिन अपने फैमिली से दूर रहना, अपने लोगों से दूर रहना, वो तो मुश्किल ही है ना। वो तो भाई जैसे अपने इंडिया के लोग देखते हैं भाई कि दुबई इतना अच्छा है, वो सिर्फ घूमने के लिए अच्छा है, जो इंसान के पास पैसा है वो घूमने के लिए आता है, उसके लिए अच्छा है। मेहनत करेगा वो 60 से 70 हज़ार रुपया कमा लेगा, उधर इंडिया में कोई 60 रुपया देगा नहीं। हाँ वो तो है यार, इंडिया में भाई अगर बंदा ग्रेजुएट भी हो, आप तो मे बी 10th या 12th पास हो? नहीं 10th पास है भाई। 10th में कितने परसेंट थे? 45। 10th में 45% है, और अभी आपकी सैलरी क्या है? 3000। तो मतलब इंडिया के समथिंग 70 हज़ार हो ही जाते हैं। हाँ। तो भाई 10th पास बनता है यहाँ पे 70 हज़ार कमा रहा है, इंडिया में लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं भाई, नौकरी नहीं मिल रही भाई, 8-10 हज़ार नौकरी के लिए भटकना पड़ता है अपने इंडिया में, इसलिए लोग अपना देश छोड़ के ना दूसरे देशों में आते हैं, अरबी कंट्री में इसलिए आते हैं, वो एक उनकी क्या मजबूरी बोल सकते हैं, अब तो मजबूरी नहीं है क्योंकि वो एक इनकम सोर्स बन गया है, क्योंकि जब इंसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा, मेहनत बराबर करनी है, पैसा ज़्यादा मिलता है तो इंसान ऑटोमेटिक यार अपने कंट्री छोड़ देता है, क्योंकि यही चीज़ अगर अपनी कंट्री में हो ना, तो कोई देश को छोड़ने के लिए है ना मजबूर कोई नहीं होता, सब अपने देश से प्यार करते हैं, बट अपने देश में है कहाँ, जॉब्स हैं तो नहीं भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लड़ते घूमते, मतलब नौकरियाँ मिल ही नहीं रही हैं, तो जो जिन्होंने 10th 12th किए भाई उनके लिए नौकरियाँ कहाँ हैं, तो ये लोग 18-20 साल से काम कर रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी बात है यार। अपन आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं अबू धाबी के अंदर, इधर कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है, सामने ये रोड दिख रही है, अभी जस्ट एंटर किया है ये अबू धाबी के अंदर, अभी अंदर चलते हैं जहाँ पे ये डिलीवरी वगैरह देनी है, तो जो फर्स्ट लोकेशन है वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे डिलीवरी वगैरह देंगे। तो भाई लोग अभी अपन आ चुके हैं मुसफ़ा के अंदर, मुसफ़ा ये अबू धाबी का वही इंडस्ट्री एरिया है, और बहुत ही बैकवर्ड एरिया है भाई। मैं देखो ये कुछ इस तरीके की जगह पे ट्रक पार्क किया हुआ, बाहर उतरता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ बाहर। अभी यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट डिलीवरी है ना वो यहीं पे होनी है। तो आज ट्रक का एक्सपीरियंस कमेंट करके बताना आपका भाई, नई नई चीज़ें कर रहा है यार, मैं सोचता है यार सारे दिन बिल्डिंग्स में घूमते हैं, मेट्रो में घूमते हैं, कार में घूमते हैं, तो आज ट्रक में भी घूमा जाए। तो ये है मिनी ट्रक, देख लो किया कंपनी का है भाई, अपने किया की कार्स आती हैं यहाँ पे, किया के ट्रक भी हैं। और अभी आप ये डिलीवरी वगैरह देते हैं, पीछे इसमें सामान पड़ा है वो दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ये कुछ यहाँ पे
ये डिलीवरी देनी है तो अभी यहाँ पे डिलीवरी देते हैं। यहाँ पे ग्रोसरी पे रुके थे, कुछ खाने के लिए लिया है, तो एक तो ये चॉकलेट शेक लिया है और एक ये लिए ब्लैक कोक। तो अपने क्या होता है, एक जो कांच की बोतल होती है ना, तो उसमें क्या होता है उसको रिटर्न देनी पड़ती है, बट यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है, यहाँ पे रिसाइकल बिन का नहीं है, इसको पियो और फेंको। और एक लिए अपना इंडियन कुरकुरा, भाई अपने इंडिया में 20 रुपये का आता है, बट ये यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अपने इंडियन प्राइस लेना इसके 60 या 70 रुपये का ये कुरकुरा है। अपने 20 खाते हैं क्योंकि ये दूसरी कंट्री अरबिक कंट्री रह गई तो इस पर टैक्स वगैरह लगता है। अब इसको खाते हैं, फिनिश करते हैं, फिर 2-3 डिलीवरीज और हैं, फिर निकलेंगे वापस दुबई के लिए। पहले वो डिलीवरी दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। और यहाँ का यार रूल है ना, कुछ अलग सा ही रूल है। देखो गाड़ियाँ ना अपने इंडिया की तरह चल रही हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, जिसका मन कर रहा है ना वो उधर भाग रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, यहाँ पे कोई रूल समझ में नहीं आ रहे कुछ रूल्स है। ये देखो इधर ये गाड़ी खड़ी है, देखो रॉन्ग साइड में खड़ी है। आपने दुबई में कभी ये चीज़ देखी थी? जब मैं दुबई में था, दुबई सिटी में आपको एक्सप्लोर करवाया था, ये चीज़ें नहीं थी। तो भाई लोग अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके के एरिया में आए हैं अपन खुले में, तो यहाँ पे पुलिस वुलिस का डर नहीं है। तो अभी अपन ये मिनी ट्रक चलाने वाला हूँ मैं, ये जो ट्रक दिख रहा है ना आपको मिनी ट्रक, ये चलाने वाला हूँ। मामा ने बोला है चला ले यार, चलो ट्रक का भी एक्सपीरियंस लेते, लोग हो गया वो। तो अभी चलाते हैं इसको, सीट बेल्ट कर लगाओ, तो पकड़ लिया कंधे को ऊपर से। तो अभी चलाते हैं, क्लच है क्या? हाँ क्लच दाब ले। हाँ वो क्लच तो हाँ वही क्लच ही। हाँ इसी दूर को चलो, अभी चलाते हैं। हैंड ब्रेक कर दिया डाउन और अभी चला रहे हैं अपन। इन्हें लेना है? हाँ धीरे धीरे, एक नंबर में चलने से धीरे धीरे। देख हाँ क्लेम टार के लिए लाइना पर भाई, दुबई में मिनी ट्रक चला रहा है आपका भाई, ये देखो। लो भाई दुबई में ड्राइव करने का भी वो ही सपना पूरा हो गया। गाड़ियां तो हर कोई चलाता है, ट्रक कौन चलाता है भाई, वो भी मिनी। ये गियर वाला है ना, ऑटोमेटिक नहीं, इसलिए आराम से मजा आ रहा है चलाने में। इधर ही अभी यहाँ पे डिलीवरी देनी है, अब आपका भाई बन चुका है ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, अभी डिलीवरी देने जा रहे हैं अपने पार्सल की। फीलिंग तो बढ़िया आ रही है। रोक ले ये देख, हां रोक ले बस, ठीक रोक, ये फीलिंग एक दिन के लिए बढ़िया होती है, डेली काम करते हैं उनसे पूछो भाई। अभी अपन आ चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे और यहाँ पे अपनी जो मिनी वैन मिनी ट्रक बोल सकते हैं वो खड़ा है। जो लास्ट पार्सल थे, जो लास्ट डिलीवरी थी, वो यहाँ पे देनी है। पीछे आपको वर्कशॉप दिख रहा होगा बड़ा सारा, और यहाँ पे कुछ लेबर लोग हैं जो अपनी ड्यूटी वगैरह कंप्लीट करके आए हैं। यार मतलब भाई यहाँ पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है यार, इन लोगों को गर्मी में गर्मी की हालत में काम करते देखना है ना यार, मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे अपने जो मामा अंदर गए हैं उनसे बात करने के लिए, उनको लास्ट डिलीवरी देते हैं और फिर निकलते हैं अपन दुबई के लिए, फिर देखते हैं यार। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मज़ा आया, क्योंकि अपन ने ट्रक भी ड्राइव किया, ये मिनी ट्रक है इसको भी चलाया, और अबू धाबी का भी एक्सपीरियंस ले लिया। बिकॉज मैं अबू धाबी में जो शेख जायद मॉस्क्यू है वहाँ तक आया हूँ, उससे आगे कभी नहीं गया। तो अभी चलते हैं इसको यहाँ पे लास्ट डिलीवरी करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। यहाँ से निकलते हैं और अभी हाईवे पे चलेंगे, जो शेख जायद रोड है, जो अबू धाबी के शेख हैं उनके नाम से वो रोड्स बनी हुई है। क्योंकि दुबई में यही रूल रहता है कि भाई लोग जो जिस जगह पर जा रहे हैं ना, अपन जिस लोकेशन पर जा रहे हैं वहाँ का शेख मतलब राजा, तो उसके राजा के नाम से बिल्डिंग होती है। जैसे जो अपनी है ना बुर्ज खलीफा, तो उसका नाम है बुर्ज खलीफा। तो जो यहाँ के जो शेख है ना, उसका अभी जो दुबई अभी जो अबू धाबी का राजा है ना, उसके उसका बाप वो ना, उसका नाम था खलीफा, तो उसके नाम से बनी हुई है बुर्ज खलीफा। वैसे ही शेख जायद रोड है उसके दादा के नाम की। अपन आ चुके हैं हाईवे पे और अभी जा रहे हैं दुबई के लिए, और अभी अंधेरा भी होने को आ गया है, मतलब लेट हो ही गया है। और इधर पेड़ दिखाता हूँ, देखो खजूर के पेड़ हैं जो फेमस है अरबी में, दुबई में खजूर, तो पूरे रास्ते पे खजूर के पेड़ ही बने हुए हैं। तो आज अपन ने जो एक्सपीरियंस किया है ट्रक वाला, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप सबको, क्योंकि पता है आपको आपका भाई कुछ अलग अलग यूनिक चीज़ें करता रहता है, तो आप लोगों के लिए मैंने ये चीज़ की। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और इस व्लॉग को भी अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले से प्यारे से मस्त से बॉम्ब से व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ मस्त खुश और खाते पीते रहो, और ऐसे अपने भाई की वीडियोज़ पर प्यार बरसाते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस आउट।